मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने एक नया टॉपिक किया था, सहायक सामग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सहायक सामग्री वे सामग्री होती है जो बच्चों को किसी भी विषय वस्तु को छोटे से छोटे और कठिन से कठिन, मतलब जो उनका जो कंटेंट होता है उसे समझने में क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से ये बच्चों को एक तरह से प्रयोग द्वारा सिखाई जा सकती है। बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर कोई भी विषय वस्तु होता है जिससे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो वो क्या करती है शिक्षण सामग्री कि बेसिकली बच्चों को हर तरफ से क्या सिखाती है, बच्चों को एक प्रभावशाली जो उनका विषय वस्तु जो करनी है बच्चों को प्रभावशाली बनाती है। तो मैंने सहायक सामग्री की डेफिनेशंस बता दी थी, सहायक सामग्री किसे कहते हैं ये बता दी थी, और सहायक सामग्री का इसके उपयोग क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये सामग्री किस किस में कैसे कैसे यूज में ली जाती है। अब जो आज आपका टॉपिक है
विषय वस्तु को आकर्षित और रोचक या प्रभावशाली बनाने में पूरी की पूरी है जो सामग्री होती है वो योगदान देती है। इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री हमें देखने को मिलती है, जैसे कार्बन, इसी के साथ पोस्टर, जैसे ब्रह्मांड हो गया, जैसे ब्रह्मांड कह सकते हैं, समुद्र
अन्य सहायक सामग्री में हम इस प्रकार की सहायक सामग्री देखने को मिलती है। तो जब आपके अगर शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है, अगर 4 to 6 मार्क्स का ये इस तरह बनता है, तो आपको ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, एक डायग्राम टिकल के माध्यम से क्या करना है, एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आपका इतना टाइम नहीं होगा। तो इसमें आपकी सभी प्रकार की सामग्री आ जाएगी और इसका आप एक अर्थ एक 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 लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, एक अर्थ बता सकते हो विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो शब्द, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि शब्द यांत्रिक जो सामग्री होती है, यांत्रिक सहायक सामग्री क्या होती है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सामग्री आती है। अब ये जो सारी की सारी सामग्री है वो एक तरह से इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। जैसे हम शब्द के रूप में देखें तो कार्टून, पोस्टर, रेखा चित्र, प्रतिरूप, रेखाकृति ये आ जाती है। हम दृश्य के रूप में देखें तो हम क्या देखते हैं, हम उस चीज को देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सॉरी दृश्य के रूप में ये सारी सामग्री आती है, और शब्द के रूप में जैसे रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, ठीक है, इसी तरह हम ग्रामोफोन देखते हैं। शब्द दृश्य साधन अगर हम देखें तो इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की सामग्री को देख सकते हैं, जिसके अंदर दो जैसे कंप्यूटर देख सकते हैं, हम इंटरनेट देख सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ हम बहुत सी चीज़ें सामग्री हम देख सकते हैं। तो ये कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर इंक्लूड होती है, ये सहायक सामग्री क्या होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब अच्छा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री के 5 भाग थे, इसके अंदर ये सभी प्रकार के सामग्री आपको देखने को मिलेगी। अब आपका ये आता है कि शब्द ये क्या होती है कि
अन्य शिक्षण परिस्थितियों में
अच्छा शिक्षण के अंदर, और अच्छा शिक्षण का शिक्षण के शैक्षिक महत्व क्या क्या है एक सहायक सामग्री के रूप में, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जो इसके अंदर एक एक जो क्लियर जो पॉइंट्स है वो मैं आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं आपका श्रद्धा सामग्री के बारे में पूरा कंप्लीटली मैं आपको करके वीडियो में बताऊँगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शब्द जो दृश्य सहायक सामग्री होती है वो बेसिकली ये होती है कि उसमें बच्चे क्या करते हैं प्रत्यक्ष रूप से एक ही जगह पे क्या करते हैं किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर बच्चों में बहुत से गुण विकसित होते हैं। एक अवलोकन शक्ति का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति सभी का विकास होता है, ऑब्जर्वेशन पावर उनको बहुत अच्छे से आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो इन सभी बातों को सीखते हैं, समझते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो ये सहायक सामग्री होती है वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में, और अर्थशास्त्र शिक्षण में भी बच्चे, क्योंकि जो कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है तो इसलिए क्या होता है बच्चे क्या करते हैं कि एक अगर हम लेक्चर मेथड के दौरान में समझाएंगे तो कोई इजी कोई हमें समझ में नहीं आएगा। तो अब इसके अंदर ये जो एक 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 बातें हैं ये सारी की सारी सामग्री आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे फिल्म स्ट्रिक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। तो ये चीज़ आपको एक मैंने पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दी, इसके अंदर एक एक बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब आपको